जरा इस इंडिकेटर को देखें, जिसने भी हमारे टेलीग्राम चैनल से सिग्नल लेकर यहाँ पे सेल ट्रेड ली होगी तो उसने एक मोटा तगड़ा प्रॉफिट बनाया। और वैसे तो ट्रेडिंग व्यू पे बहुत से इंडिकेटर्स हैं, मगर इस स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रेड करना निस्बतन बहुत आसान है। जैसे कि दिखने में ये इंडिकेटर EMS का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमें एक कलर डॉट से बाय और सेल का सिग्नल मिलता है। और इस स्ट्रेटजी को हमने तकरीबन 100 प्लस अकाउंट्स पे यूज़ किया है और हमारा जो रिजल्ट है वो 92% है। मतलब ये 100 में से 92 ट्रेड्स हमारी जो है कामयाब हुई हैं। एंड दिस इज द रीज़न वी डिसाइडेड टू शेयर दिस वंडरफुल इंडिकेटर विद आवर कम्युनिटी, सो दैट जैसे हम पैसा कमा रहे हैं आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही पैसा कमा सको। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना सिर्फ इस इंडिकेटर का नेम बताऊंगा, बल्कि इसकी कस्टमाइजेशन भी बताऊंगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में ये आपको सही रिजल्ट्स नहीं देता है। अब इससे पहले कि हम ट्रेडिंग व्यू पे अपना काम स्टार्ट करें, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है क्रिप्टो पे भी काम करेगी, फॉरेक्स पे भी काम करेगी, इसलिए आंखें बंद करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे यूरो USD का पेयर ले लेता हूँ। अगर आप लोग छोटी छोटी ट्रेड्स करना चाहते हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है सबसे बेस्ट है, और अगर आप लोग लॉन्ग ट्रेड करना चाहते हैं तो 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इंडिकेटर में आकर अपना इंडिकेटर लगाते हैं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सनेस जो है फिलहाल के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसका जो यूज़ है बहुत आसान है, यहाँ पे फीसिस भी बहुत कम है, डिपॉजिट करना विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, और फॉरेक्स के साथ में आपको यहाँ पे क्रिप्टो के टॉप पेयर्स भी मिल जाते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग क्रिप्टो या फॉरेक्स के सिग्नल के हवाले से या फिर क्रिप्टो के 10x पॉइंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलती है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाता है। बहरहाल हम इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। GC मैजिक टाइप करेंगे, जिसके साथ में EMRM में लिखा होगा, आप लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, जिसके ऑथर GC9 हैं। इंडिकेटर्स अप्लाई होने के बाद में आपको ग्रीन और रेड कलर में मल्टीपल EMS शो होने लग जाएंगे, और पिंक और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये आपको बाय और सेल के सिग्नल देंगे। बट अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में हमें यहाँ पे फॉल्स सिग्नल मिल रहे हैं, जिसके लिए हमें इसकी कस्टमाइजेशन करना ज़रूरी है। और अभी जो सेटिंग करने लगा हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो हमने इंडिकेटर लगाया है उसकी सेटिंग पे आप लोग क्लिक करेंगे, स्टाइल में आ जाएंगे, बाय सिग्नल के लिए ये जो ब्लैक कलर का डॉट यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है इसे आप कोई भी कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग इनपुट में आ जाएंगे, फर्स्ट सेटिंग में आप 55 को 99 कर देंगे, सेकेंड सेटिंग में आप लोग 149 को 180 कर देंगे। चार्ट को मज़ीद क्लियर करने के लिए लास्ट 2 ये जो चेक्स हैं आप लोग इन्हें भी हटा देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखें तो इस वक्त हमारा यहाँ पर जो राशि है वो भी ख़त्म हो चुका है, और जो फॉल्स सिग्नल हमें पहले मिल रहे थे वो भी यहाँ से अब गायब हो चुके हैं। बाय के लिए एक परफेक्ट एंट्री मिल रही है जो एक अच्छा प्रॉफिट भी दे रही है, और इसी तरीके से सेल के लिए भी हमें परफेक्ट एंट्री मिल रही है जो हमें अच्छा प्रॉफिट भी दे रही है। सेल ट्रेड्स के लिए कैंडल से अबव जो डॉट है हम उसे फॉलो करेंगे, और बाय ट्रेड के लिए कैंडल से जो बिलो डॉट होगा हम उसे फॉलो करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बाय सेटअप। जैसा कि कैंडल से बिलो हमें एक डॉट मिल रहा है, यहाँ पे हम बाय ट्रेड ले सकते हैं, मगर बाय या सेल लेने के लिए आप लोगों को मार्केट के वॉलेटिलिटी का ख्याल रखना है। मतलब कि जितनी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी उतना ही हम यहाँ पे अच्छा मूव पकड़ सकते हैं। अगर आप लोग लंदन और न्यूयॉर्क के सेशन के दौरान में ट्रेड करते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, जहाँ पर हमें अच्छी मूव भी मिलती है और अच्छा प्रॉफिट भी बनता है। वापस आते हैं अपनी ट्रेड के लिए। जैसा कि हमें एक कैंडल के नीचे डॉट मिला, मतलब कि अभी हमें यहाँ से बाय ट्रेड लेना है, तो बाय के लिए आप नेक्स्ट कैंडल में आकर अपनी ट्रेड ले लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा प्रीवियस हाई, और आपका जो प्रॉफिट है वो होगा मिनिमम 1:1.5। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हमें 2 की रेशो से एक बेहतरीन प्रॉफिट मिल चुका है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बाय के लिए हमें डॉट मिला, नेक्स्ट कैंडल में हमने अपना बाय ले लिया, स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस रहा, और इस ट्रेड में भी हमें तकरीबन 2.5 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया। बिल्कुल इसके ऑपोजिट ही हमारा जो सेल सेटअप है वो काम करता है, मगर यहाँ पे भी जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है मार्केट की हाई वोल्टेलिटी। जितनी मार्केट में वोल्टेलिटी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हम यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकेंगे। हमें कैंडल से अबव डॉट मिला, स्टॉप लॉस हम रखेंगे अब की बार प्रीवियस हाई, और हमारा प्रॉफिट होगा 1:1.5 की रेशियो से, जो कि देखें अचीव हो चुका है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सेल का डॉट देना, हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई रहा, और हमारा जो प्रॉफिट है वो भी 1:1.5 की रेशियो से रखा, जो कि बहुत आराम से अचीव हो गया।
अब ये जो स्ट्रेटजी है ये साइडवेज मार्केट में तो भाई फेल है, इसलिए हमें हाई वोलेटाइल मार्केट में स्ट्रेटजी को यूज करना है। और जैसा कि मैंने बताया, लंदन और न्यूयॉर्क का जो सेशन होता है वो स्ट्रेटजी के लिए सबसे बेस्ट सेशन है। अब अगर आप बताए हुए कानून के मुताबिक काम करते हो तो ये इंडिकेटर आप लोगों को 90% प्लस रिजल्ट्स देता है और आपकी छोटी सी अमाउंट को एक बहुत बड़े मुनाफे में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर आप रूल ब्रेक करते हो तो ये आपके कमाए हुए मुनाफे को ज़ाया भी कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। फ्री सिग्नल्स के लिए, 10F क्रिप्टोस के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए एक्सनेस के प्लेटफॉर्म है जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो से आपको हल्का फुल्का भी फायदा हुआ है तो हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट इस तरह का हम कंटेंट आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।